आज बोलते हैं कि इसकी ये गोलाई है। वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा, अपने साथ मैं आयुष मैसी है। आयुष मैसी एक मेरे पेशेंट है, उनका बेटा है, और वो लास्ट टाइम आए थे तो ही मेंशन टू मी कि इसको पाँव में प्रॉब्लम है और कुछ नी की शेप में, शिन की शेप में कुछ प्रॉब्लम है। बट जैसे ही मैंने इसको देखा तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस मुझे नज़र नहीं आया, शिन की शेप में, नीज की शेप में, एंकल्स में कोई भी चेंजेस नहीं आए। बट जैसे ही मैंने इसके फीट देखे, शूज़ इसने निकाले, देन आई न्यू कि इसको फ्लैट फीट है। फ्लैट फीट उतना ही बुरा होता है जितना कि फ्लैट टायर। आप सारे लोग जो भी देख रहे हैं प्लीज समझें और अपने पाँव को चेक करें, आपके पाँव ही सारे प्रॉब्लम की जड़ होते हैं। टायर जैसे गाड़ी का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो भी फ्रिक्शन होती है, जो भी स्मूथनेस होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जनरली हमारा पाँव का 15-20% हिस्सा कॉन्टैक्ट में होना चाहिए। जबकि ये कॉन्टैक्ट कम होने लग जाता है तो हम उसको फ्लैट फीट बोलते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, इसको हम नॉर्मल फील बोलते हैं, नॉर्मल आर्च बोलते हैं, किसकी ये गोलाई है और पूरी तरह से मेरी फिंगर अंदर जा सकती है। इसका मतलब है कि इसका जो कॉन्टैक्ट है ग्राउंड के साथ करीब 15-20% है, जितना कि कॉन्टैक्ट होना चाहिए। वही चीज जब ये काफी आर्च कम होने लग जाता है, जैसा कि आयुष का है, आयुष ऐसे ही फील है ना कि देखिए आप, कहीं कोई मेरी फिंगर अंदर नहीं जा सकती है और इसका पूरा का पूरा कॉन्टैक्ट ग्राउंड के साथ है। तो ये पाँव बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे गाड़ी में टायर, साइकिल में टायर या किसी और भी चीज में। जब आपका टायर फ्लैट हो जाता है तो ग्रेविटी को पुश नहीं कर पाता, जो पुश नहीं कर पाएगा ज्यादा से ज्यादा वेयर एंड टेयर होगा, इंजन वाइब्रेट करेगा, इसके नीज में रिफ्लेक्शन आने लग जाएगा, हिप के हिप जॉइंट तक प्रेशर आने लग जाएगा और सब्सिक्वेंटली स्पाइन तक प्रेशर आएगा। यही चीज आयुष के साथ हो रही थी। एक एक्सेप्शनल केस और होता है जिसको हम हाई आर्च बोलते हैं। हाई आर्च का मतलब यह है कि जब मैंने कहा था कि मेरी उंगली जारी है, बट इसमें देखिए मेरी उंगली बाहर निकल रही है, हाई आर्च कि जितना कॉन्टैक्ट ग्राउंड के साथ चाहिए उससे ज्यादा है, यानी कि आपने अपने टायर में ज्यादा हवा डाल दी है, तब वो इनस्टेबल आर्च हो गया। तो ये भी उतना ही बुरा है जितना कि फ्लैट फीट बुरा है। और ये हाई आर्च कब बनता है, अगर आप उसको नेकेड पांव से, यानी कि जब मुझे ये दिखाएगा सामने से तो देखने में वो फ्लैट फीट लगेगा, लेकिन जैसे ही वो खड़ा होगा वो आर्च नॉर्मल से ज्यादा बन जाएगा। हम सुबह शाम देखते हैं ज्यादा फ्लैट फीट जनरली कम नजर आते हैं कंपेयर टू हाई आर्च के, और हाई आर्च वाले लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है कंपेयर टू फ्लैट फीट वालों के। तो ये तीन फॉर्म्स ऑफ आर्चेस होते हैं, आप सब भी ध्यान रखें। घर में किसी भी बच्चे को, किसी भी एडल्ट को ये प्रॉब्लम हो तो आप हमारे पास एग्जामिनेशन के लिए आ सकते हैं। अब मैं इसका आपको सॉल्यूशन बताता हूँ, इसका सॉल्यूशन क्या है। अब इसका जो सॉल्यूशन है, हम फुट असेसमेंट करते हैं अपनी मशीन पे और ये भी पता चल जाता है कि उसके कितने एंगल्स डेविएटेड हैं, कितने एंगल्स खराब हैं। जैसे कि हमने आयुषी केस में देखा कि उसका जो लेफ्ट साइड का फीट है वो काफी ज्यादा सीवियर प्रोनेशन की तरफ जा चुका है, और जैसे ही हमने इसको आर्च दिया तो वो सीवियर प्रोनेशन से सीधे ओवर प्रोनेशन यानी माइल्ड प्रोनेशन की तरफ आ रहा था। अब दो चीजें हैं आयुष को भी समझना है कि जितनी बोन शेप चेंज हो चुकी है वो चेंज मैं नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, वो सिर्फ बेटर हो जाती है उस वक्त जब आपने आर्च पहना हुआ है। जैसे आप बेयर फुट वॉकिंग करोगे तो आप देखोगे कि आपका एंकल वैसे ही दिखेगा जैसे कि नॉर्मली दिखता है, बट जैसे आपने शूज पहन लिया आर्च के साथ तो वो बेटर दिखने लग जाएगा, एंकल ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करेगा। और इसको आर्च डेवलप जब नेचुरली होंगे आयुष के 1-2 साल के अंदर, आई एम श्योर ये नॉर्मल के क्लोज जा सकता है, ऑलमोस्ट 80-90% आर्चेस इसके डेवलप हो जाने चाहिए नेक्स्ट 2 ईयर्स टाइम। और इससे क्या होगा, इसके जो आगे जो सीवियर डिफॉर्मिटीज डेवलप हो सकती हैं, जिसको हम आप देखें कई बच्चों के, कई लोगों के एंकल्स बहुत मोटे हो जाते हैं, अंदर की तरफ फॉल करते हैं, उनकी लचक दिखने लग जाती है, एक तरफ ज्यादा वेट डाल के खड़े रहते हैं और उसकी वजह से आपका सारा पोस्चर खराब होने लग जाता है। और सिंपल सर ट्रीटमेंट है इसका, वो है इंसोल कस्टमाइज करके पहनाना। हम यहीं पे इंसोल कस्टमाइज करते हैं, आप वीडियो में देखेंगे तो हम आपको कस्टमाइजेशन प्रोसेस भी दिखाएंगे और कई वीडियोस हमने पहले बनाए भी हैं जिसमें हमने आपको कस्टमाइजेशन प्रोसेस दिखाया है। अब आयुष मेरे पास में आया है, सेकंड जो प्रॉब्लम मुझे नजर आई है वो इसके फादर ने नहीं बताई थी, इसने नहीं बताई थी, वो है इसकी नेक। राइट आयुष? तो अब आयुष की नेक पे फोकस कर लो। आयुष 18 ईयर्स का है, कॉलेज जाने वाला है, और जैसे ही इसके टच कर रहा हूं मैं ये भी देख सकता हूँ कि इसके दोनों शोल्डर बहुत लीन है, ये तो लीन होने की वजह से कुछ भी सामने से नजर नहीं आ रहा, बट द मोमेंट आई हैव पुट माय हैंड्स ऑन हिज शोल्डर इसके दोनों शोल्डर्स आगे की तरफ हैं।
और ये कभी कभी दर्द होते हैं यहाँ पे? नहीं होते हैं। तो ये एंगल्स इसके शोल्डर्स का काफी आगे जा चुका है, उसकी वजह से आप ये देखें कितनी ज्यादा रिंकल्स हैं। इसकी नेक भी काफी स्ट्रेटनिंग में जा चुकी है, इसके स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइन भी बोल सकते हैं। इससे ही पीछे भी वही हाल है, पीछे भी रिंकल्स हैं। आयुष दिखा रहा, देखो सब जगह। तो ये गर्दन इसकी मोस्ट ऑफ द टाइम इस पोजीशन में रहती है। ये शोल्डर्स भी वीक हो चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं और ये आगे जा चुका है। तो मैं इसका एडजस्टमेंट करने वाला हूँ। इसको मैंने बोल दिया है कि इसको एक्सरसाइज करनी है, योगा कर सकता है, इसको जो भी पसंद है, बट योगा या एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में इसको जरूर करने की जरूरत है। अब जो मैं करने वाला हूँ आयुष को नहीं पता है, am I right? Yes. है ना? So that's a surprise. So lie down on your face and remove your glasses. Okay. So this shirt is from Goa? Easy. Relax. छोड़ो, breathe out. Easy. इसकी spine भी straightening में जाने लग गई है। स्ट्रेट करेंगे, टर्न करेंगे मेरी तरफ, मेरी तरफ मैंने इसके थोड़े से किया, अब इसका लंबर करूंगा यानी कमर का करूंगा। बेंड दिस इजी। ऐसा लगा कि कितनी ज्यादा साउंड आई है ना। रिलैक्स, स्ट्रेट, इजी। अब उठ जाओ, ग्लासेस भी पहन लो। और अब तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, कैसा लग रहा है? Relaxing. Yeah. The amount of pain that I had is now gone. You never mentioned that you had pain. But you're feeling nice. Yeah, I'm feeling relaxed right now. Yeah. So, this is all. और बाकी कुछ और बोलना चाहते हो? कुछ भी, मैंने तो इतना बोला ही, तुम भी थोड़ा सा बोल दो वीडियो में। अपने सब्जेक्ट हमारा शांत रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना? Anything? You guys can come with your problems and the sir will actually help you come out. And I'll be rude also to the kids, right? Sometimes. So if anyone have any problems, please contact him and he'll help you come out of that. Okay. So he's actually basically trying to advertise me, which is not nice. I wanted to, you know, him to say some words that express how do you feel after the adjustment. So viewers, thanks for watching this video. अगर आपको भी घर में भी कोई बच्चा flat feet है, high arch है या कोई भी तरह की दिक्कत आ रही है, आपको मैंने समझाया इस वीडियो में कि ये चीजों को please बहुत ज्यादा ध्यान दें, खासतौर से developmental ages पे। ये 18 years पे आया है, मैं इसकी help कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे पास ये 14-15 साल की एज पे आता तो आज तक ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, यानी कि इतना डिटोरिएट ही नहीं होता और हम वहाँ पे काफी ज्यादा इसको अचीव कर सकते थे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक आइकन बटन एंड टेल अस व्हाटएवर मोर यू वांट टू नो।